हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। इस कहानी में अब जो और बैग का ब्रेकअप भी हो चुका है, ये कहानी अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो ने पहले बैग को पाया और फिर उस पर इतना शक किया कि बैग ने उसे छोड़ दिया। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। जो अक्सर बैग को याद कर लेता है, हमसे बातें कर लेता है, ऐसा नहीं है कि जो अकेले रहता है, उसे कैरन मिल गई है। कैरन के साथ वो लिविन में रहता है, उसके साथ संभोग का सुख भी उसे मिलता है, पर फिर भी उसे बैग की याद आती है। आज सुबह की शुरुआत भी जो और कैरन के संभोग से हुई है, पर जो को कैरन की आदतें अच्छी नहीं लगती। कैरन कभी कभी अजीब सी हरकतें करती भी है, कई बार तो चाय पीकर कप कहीं भी छोड़ देती है। इन सब आदतों से जो परेशान हो चुका है। कैरन बातें करने लगती है तो चुप ही नहीं होती, और बेचारा जो बैग के बारे में सोचता रहता है। इधर बैग की लाइफ भी ठीक ठाक ही चल रही है, उसे एडिटर मिल चुका है और अब उसकी बुक पब्लिश होने वाली है। बैग के घर आई है ब्लाइथ। ब्लाइथ ये चाहती है कि बैग अब जो को हमेशा के लिए भुला दे। उसने कहा कि तुम अपने सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट कर दो। बैग को अक्सर जो की याद भी आ जाती है। वो ब्लाइथ से पूछती है कि जो कैरन के साथ जो रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप कैसी है, सीरियस है या टाइम पास। ब्लाइथ उसे समझाती है और कहती है कि तुम इन सब चीज़ों पर फोकस मत करो। पर बैग है जो कि परेशान है कि इतनी जल्दी जो ने उसे भुला कैसे दिया। इधर जो जब फेसबुक पर बैग को ढूंढता है और उसका अकाउंट नहीं मिलता, तब वो परेशान हो जाता है। दरअसल ब्लाइथ ने बैग के सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। बैग भी जो को मिस कर लेती है, अपनी राइटिंग का काम करती है और जब बीच में फुर्सत मिलती है तो म्यूजिक भी सुन लेती है। इस तरह दिन पर दिन कटते जा रहे हैं, पर बैग से रहा नहीं गया। अचानक से वो डिप्रेशन में चली गई। हद तो तब हो गई जब एक शाम बैग देखती है कि जो और कैरन साथ में वॉक कर रहे हैं। यहाँ जो और बैग की नज़रें टकराई, दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया और इसके बाद जब बैग और कैरन की बातचीत हुई तब बैग ने अच्छा जेस्चर दिखाया। बाद में बैग ने जो को मैसेज भेजा, जो ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया और इस तरह फिर से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। इधर पैको की मदर क्लोडिया की हालत ख़राब है, उसकी देखरेख कर रही है कैरन। क्लोडिया की इस हालत का जिम्मेदार है रॉन, जो चाहता है कि रॉन से एक लाइडिया को छिपा कर रखा जाए, इसलिए उसने क्लोडिया को छिपा दिया है। लाइब्रेरी में रॉन आकर जो को धमकाता है और वो कहता है कि वह हर हाल में क्लोडिया से मिलना चाहता है। जो उसकी धमकियों से नहीं डरता और ना ही वो उसे क्लोडिया का एड्रेस बताता है। इधर बैक ने जो को डेट के लिए बुलाया है, जो उसे नहीं रहा गया। दोनों शिप में मिलते हैं। इस शिप में यहाँ कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और इसके बाद दोनों ने इस शिप में संभोग किया। हालांकि संभोग के बाद दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये एक दूसरे से फिर नहीं मिलेंगे, पर इनकी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं। बैग के घर पर दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। बैग अच्छी तरह जानती है कि जो आजकल करण के साथ कमिटेड है, पर उसके बाद भी वो जो के साथ संभोग करती है। बैग ने कभी जो से ये नहीं कहा कि तुम करण को छोड़ दो। इस तरह जो करण के साथ भी रहता है। आजकल जो के दोनों हाथों में लड्डू है। पर आखिरकार बैग की अकल ठिकाने लगी। उसने जो से कहा कि हम ये ठीक नहीं कर रहे। वो कहती है कि तुम कैरन के लिए बने हो, मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम मेरे लिए परफेक्ट थे, पर अब मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। इन सब में क्लोडिया नॉर्मल हो गई है। पैको उसे लेने आता है और पैको के साथ वो चली गई। जो जब कैरन से मिलता है तब कैरन समझ चुकी होती है कि जो आजकल बैग के साथ है। वैसे भी गर्लफ्रेंड्स को पता चली जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या गुल खिला रहा है। जो की आदतें अब बदल चुकी हैं, उसके रिएक्शंस बदल चुके हैं। कैरन ने ये सब भाप लिया और जो से कहा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। कैरन ने अपना सारा सामान उठाया और जाने लगी। जो ने उसे रोका भी नहीं, पर हाँ, कैरन के जाते ही वो पहुंचा है बैग के पास। बैग भी जैसे उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आपस में संभोग करते हैं। अब दोनों की गाड़ी बैक ऑन ट्रैक हो चुकी है। दोनों ने अब फिर से साथ में रहने का वादा किया है, पर ये सब इतना आसान नहीं है। एक शाम को कैरन बैग से मिलती है। वो कहती है कि तुम जो को जानती नहीं हो। जो ने कैडेंस के साथ बहुत गलत किया था, शायद वो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। पहले तो बैग को कैरन की बातों पे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि कैरन उससे जेलस है, पर जिस तरह से कैरन ने जो के बारे में बताया है, इन सब से अब बैग को उस पर भरोसा होने लगा है। बैग जानना चाहती है कि आखिर जो का पास्ट है क्या, उसकी सच्चाई क्या है। इतने में बैग के पास जो का फ़ोन आता है। बैग इस फ़ोन को आंसर करेगी या नहीं करेगी, और फिर अब वो क्या जो का सच जान पाएगी, इन सब सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट्स में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस कहानी की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।